नमस्कार दोस्तों, लिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में हम एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। यहाँ पर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रीलिम्स को तो ध्यान रखा ही जाएगा, साथ ही साथ मेंस में जो भी आपके जीएस के पेपर हैं, पूरे 6 जीएस के जो पेपर हैं वो भी कवर किया जाएगा। हिंदी भी कवर किया जाएगा, एसए भी कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है मेंस के, वो भी हम आपको गाइड करेंगे जब हम आपके लेक्चर्स लेंगे। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस कोर्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न अपना देखेंगे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो समय लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है, यहाँ पे वर्णन कर लीजिए इसको, मिलता है हमको मत्स्य पुराण से। दूसरा आपको दिया गया है गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां निर्मित होने के प्रमाण मिलते हैं। फिर आपको दिया गया है गुप्त काल में बुमरा एवं नचना कुठार से में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है। आपसे बोला गया है ए बी सी में निम्नलिखित में कौन सही है आपका, ठीक है? तो अगर आपको थोड़ा समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा समय ले सकते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि लिंग पूजा का हमें सबसे पहला प्रमाण जो है वो मत्स्य पुराण से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां हमको मिलती है गुप्त काल से, ये भी सही है। और गुप्त काल में भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा ए बी सी डी में से? सी आपका सही उत्तर है, ठीक है? अब देखिए क्लास, इसी तरीके से पुराणों से रिलेटेड एक प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2023 में। 2023 का ही ये आपका रीसेंट का प्रश्न है। तो उसमें क्या दिया गया था, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में हमें विचार करना था। तो विचार करिए, पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा, वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो आपको बताना है कौन सा आपका सही है। तो ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण भी है। जैसे हमने मत्स्य पुराण की बात की तो मैंने आपको बताया मत्स्य पुराण में सबसे पहले लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। इसी तरीके से जब हम विष्णु पुराण की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये बिल्कुल सही है। और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोला गया है कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, एक तथा दो, ठीक है? दोनों आपके बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर वैसे ये आपका तीसरा प्रश्न होना चाहिए, लेकिन ये दूसरा प्रश्न है, क्योंकि पहला और दूसरा प्रश्न आपका रिलेटेड था थोड़ा पुराण से, तो मुझे याद आया तो मैंने डाल दिया उसको। दूसरा देखिए, सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दिए गए हैं, तो आपको बताना है सही उत्तर यहाँ पर क्या है। तो देखिए, जब हम चतुर्भुज वैष्णव मंदिर की बात करेंगे तो चतुर्भुज वैष्णव मंदिर कहाँ पर है बताइए? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो चतुर्भुज जो वैष्णव मंदिर है वो हमें खजुराहो से मिलता है, ठीक है? ए का फोर्थ अगर हम देखेंगे तो आपके एबीसी में कहीं खाली एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तब ये तो बहुत आसान सेट कर दिया गया है। कर्ण भेरू मंदिर की जब हम बात करेंगे तो ये आपका हिलवाड़ से मिलता है। फिर मुकुंद मंदिर की जब हम बात करेंगे तो ये हमें कहां मिलता है, महाबलीपुरम, और मुक्तेश्वर मंदिर कांची में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4, 2, 3, 1, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर्स के प्रश्न, तो वहां पर किस मंदिर का निर्माण कब हुआ है या ये मंदिर कहाँ पर है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। चलिए तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, सी आपका सही उत्तर था।
तीसरा प्रश्न है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कहां पर की गई है? तो बताइए किसने की है, सॉरी कहां पर नहीं की गई है, पूछा गया हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को स्टैब्लिश किसने किया है? तो बसंत कुमार ने, अजीत सिंह ने, हेमचंद कानूंगो ने या फिर सोहन सिंह भागना? तो यहां पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब हम हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई है। तो थर्ड का आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो यहां पर बस आपको इतना याद रखना है कि 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी, ठीक है। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन भी किया था। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि गदर के बारे में, ठीक है। तो गदर का प्रकाशन कब किया गया था याद रखिएगा, कहां से किया गया था और किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आप याद रखेंगे हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया गया है आपको चौथे प्रश्न का, निम्नलिखित को उनके घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन और मद्रास महाजन सभा, इसका पूरा नाम है, आप सभा कर लीजिए इसको, ठीक है, सभा। फिर उसके बाद आपको दिया गया इंडियन रिफॉर्म कमिटी। तो अगर आपने हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा होगा तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान की हम बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में, यहाँ पे याद रखिएगा 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। 1888 की जब हम बात करते हैं तो उस समय यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है। कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो खाली हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें। और आगे भी चलकर आप देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी इन्हीं कारणों से होता है कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी को एज प्रिसाइड करने के लिए अपॉइंट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस लिए? यही दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस खाली हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें आपके मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल हैं। और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आईएनसी को बहुत मुस्लिम्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान है, 1888 आपको याद रखना है। इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आपको याद होगा। तो इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन आपका कब हुआ है? 1876 में हुआ है, यहां पर ये 1888 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहां पर मद्रास महाजन सभा बची, इंडियन रिफॉर्म कमिटी बची, ठीक है। तो इंडियन रिफॉर्म कमिटी की जब हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन आपका 1887 में हुआ है और मद्रास महाजन सभा का फॉर्मेशन आपका 1884 में हुआ है, तो ये याद रखिएगा। अब इसको अरेंज करिए, देखिए मद्रास महाजन सभा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक साल पहले ही फॉर्म हुई थी तो वो 1884 हो गया, इंडियन रिफॉर्म कमिटी 1887 में इसका गठन हुआ है। अगर अब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे इंडियन एसोसिएशन जो है वो सबसे पहले फॉर्म हुई है तो बी हो गया। बी के बाद आपको क्या मिलता है? बी के बाद देखिए 1876 के बाद आपका 1884 आएगा, सी आएगा, ठीक है, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। ये एक अच्छा प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा में, अब ट्रेंड में देखा जा रहा है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और याद भी करिएगा कि कौन सा एसोसिएशन आपका कब फॉर्म हुआ है। यहाँ पर हम एक बार और आपको बता दें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जब मैं इंडियन एसोसिएशन की बात कर रही हूँ तो इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1876 में हुआ है, मैंने आपको बताया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन याद रखेंगे, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके तीन साल बाद सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया और बाद में उन्हीं के इंस्पिरेशन में 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी होता है।
यहाँ पर मद्रास महाजन सभा की जब बात करेंगे तो 1884 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बी सुब्रमण्यम अय्यर का और पी आनंद चालू का नाम आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये दोनों नाम आपको बताए हैं। इंडियन रिफॉर्म कमिटी की बात करेंगे, भारतीय सुधार समिति की, तो इसको 1887 में किसके द्वारा फॉर्म किया गया, केशव चंद्र सेन द्वारा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप याद भी रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्लास ध्यान से देखिए क्या दिया गया है आपको। दिया गया है पांचवा प्रश्न जो है वो, निम्नलिखित में कौन गलत है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देख लेते हैं, जहां वायुदाब अधिक होता है वहां जल तल नीचा रहता है, ठीक है। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व अधिक रहता है। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, कहीं पर ये आपका वाटर लेवल है, सी लेवल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पानी का जो लेवल है, जो ये है, वो आपका घटेगा प्रेशर के कारण, दबेगा पानी, वायुदाब। तो जहां वायुदाब अधिक होता है वहां जल तल नीचे रहता है, वहां पर जो वाटर लेवल है वो लो रहता है, एकदम सही है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बिल्कुल सही है अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो। अब बताइए, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, स्नोफॉल ज्यादा होगी, वहां पे सेलिनिटी, वहां पर सेलिनिटी मतलब लवणता ज्यादा होगी कि कम होगी। जहां पर पानी ज्यादा बरसेगा वहां पर सेलिनिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, बताइए। तो वहां पर सेलिनिटी कम होगी, ठीक है, लवणता कम होगी, ठीक है, और घनत्व जो रहता है अधिक रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा आपका गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, केवल दो आपका गलत है। पहला आपको समझ में आ गया होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, जब पानी पे प्रेशर पड़ेगा तो उसका वाटर लेवल जो है वो आपका घटेगा, सी लेवल जो है वो दबेगा, और जब पानी एक्सेस होगा तो आपकी लवणता जो है, जो सेलिनिटी है, वो क्या होगी, वो घटेगी, ठीक है। जब पानी में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, भाप ज्यादा बनता है और कहीं से नया पानी आके नहीं मिलता है, तो उस तरीके की जो लेक्स होती है उनके पानी आपकी कैसे हो जाते हैं, उसमें लवणता बढ़ जाती है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, बी सही उत्तर है। अगला देखते हैं छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। आसान प्रश्न है, आपको जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, मेंस में आपको बोलेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को समझाइए आप। तो जब आपको पता होगा कि कौन कौन सी हमारी जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, या कौन सी ऐसी नदी है जो बांग्लादेश और भारत दोनों में बहती है, या फिर कुछ भी इसी तरीके के, मतलब दो तीन कौन कौन से जो एरियाज हैं दोनों में कॉमन है, कल्चर के बारे में पता होगा, तभी तो आप रिलेशनशिप को लिख पाएंगे कि किस तरीके का रिलेशनशिप है दोनों में। तो यहां पर तो एक सिंपल सा सवाल है, पहले हम इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम। तो बताइए ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं, सही उत्तर आपका ए है, ठीक है, मणिपुर नहीं टच करता है, अभी मैप में दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए ए आपका सही उत्तर है, यहाँ पर मैप देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाए। ये एरिया जो आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है। इधर आपको क्या दिख रहा है, असम दिख रहा है, असम टच कर रहा है, ठीक है, फिर मेघालय भी टच कर रहा है, इधर त्रिपुरा टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, और मिजोरम भी टच कर रहा है। कौन सा टच नहीं कर रहा है जो आपके प्रश्न में दिया था, तो वो मणिपुर, मणिपुर इधर आपको दिखेगा, तो याद रखिएगा, ये चीज याद रहेगा ना क्लास। चलिए अच्छा, एक और स्टेट जो उसमें नहीं दिया था प्रश्न में आपका, वो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये तो सबसे आसान ऑप्शन है, तो याद रखिएगा। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान प्रश्न था, इसको मैं आसान की कैटेगरी में रखूंगी। सातवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो चलिए बताते हैं, लेक से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ताजे जल की झील के बारे में बात की गई है, तो वुलर झील, खारे जल की झील के बारे में बात किया गया है, ताजे जल की झील हिमानी निर्मित,
फिर उसके बाद राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील। तो देखिए देवर लेक जो है वो राजस्थान में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा राजस्थान में उदयपुर में स्थित है ये, ठीक है। रेणुका झील दिया है ताजे जल की झील हिमानी निर्मित, तो ये जो है ताजे जल की झील हिमानी निर्मित वो आपका रेणुका झील नहीं होगा, वो आपका डल झील होगा, ठीक है, ये आपका गलत है। तो हमारे प्रश्न में भी पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी इनकरेक्ट है, लेकिन हम ए और बी भी देख लें, बिल्कुल दिया सही दिया गया है। अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक मतलब खारे जल की झील जो है वो सामर झील है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न जो आपके करंट से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे ही प्रश्न है लेकिन करंट का भी प्रश्न यहाँ से बनेगा। निम्नलिखित भारत के मुख्य न्यायाधीशों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए, तो यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, इनको आपको व्यवस्थित करना है। आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इसको सोचिए एक बार, क्योंकि अभी नए CGI आपके अपॉइंट हुए हैं, आप सभी को पता होगा 51st CGI है वो, जो 50वें आपके चीफ जस्टिस थे वो DY चंद्रचूड़ थे, जिनको कि अभी किसने रिप्लेस किया है, जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा इन्हें रिप्लेस किया गया है और ये 51st CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चीफ जस्टिस के नाम दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करना है, तो इसको आप आराम से करिएगा। यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बता दूं, अगर इनमें हम देखेंगे रंगनाथ मिश्र में, KN वांचू में, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और VN खरे में, तो सबसे पहले आपके भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, सी थे, ठीक है, सी आपको यहीं पे दिया गया है। चलिए तो और देखते हैं, फिर उसके बाद आपके KN वांचू थे, फिर रंगनाथ मिश्र थे और BN खरे थे, तो डी आप सी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। करंट जरूर याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर एक बार हम अपने उत्तर को चेक भी कर लेते हैं, हमारा उत्तर सी है, ठीक है। ये देख लीजिए, सबसे पहले भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, फिर KN वांचू थे, रंगनाथ मिश्र थे और BN खरे थे, खेर थे, ठीक है, BN खेर, सॉरी। यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, तो बस रिवीजन के पर्पस से जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें आर्टिकल, तो आपको पता है आर्टिकल 124 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 124 का जो क्लॉज 2 है उसमें बोला गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज क्लियर है। एज पर द कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डेजिग्नेटेड एज द चीफ जस्टिस, तो ठीक है, एक परंपरा के अनुसार हम क्या करते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह अपॉइंट करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम सीनियर मोस्ट जज मतलब क्या, जिसकी एज ज्यादा होगी, अगर दो जज हैं, एक की एज आपका 60 है, एक की एज 61 है, तो इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं आप किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, तो क्या आप ये बोलेंगे कि हम 61 ईयर वाले को अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा ये गलत होगा। एज के बेसिस पे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं अपॉइंट करते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डेजिग्नेटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पर क्या, एज पर कन्वेंशन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और सीनियरिटी किस बेसिस पे मेजर होती है, वो लेंथ ऑफ द सर्विस ऑन द सुप्रीम कोर्ट, अगर 61 ईयर वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 2 ही साल पहले आया है और 60 वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से काम कर रहा है, तो किसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, 60 साल वाले को, तो ये चीज याद रखिएगा। जो ये सीनियरिटी की हम बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पे हो रहा है, लेंथ ऑफ द सर्विस ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भले उसकी एज कम हो लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से है तो उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और ये भी याद रखिएगा ये क्या है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, संविधान में ये मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट विल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाई द
प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमारे संविधान में 124 क्लॉज 2 में मेंशन है। लेकिन एज पर कन्वेंशन हम क्या करते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होता है जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा होती है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब कई बार मैंने बता दिया आपको, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से दे दिया जा सकता है, इसीलिए मैंने सोचा क्लियर कर दूं। अब देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन होना चाहिए। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ये याद रखिएगा 5 और 10 वाला क्लॉज, ठीक है। एंड ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या तो ये होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्या है, ये क्वालिफिकेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर 20 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, तो याद रखिएगा 5 और 10 है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जो अदर जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, उसको कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखिएगा उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन वो किनसे सलाह मशवरा करता है, सीजीआई से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो कंसल्टेशन होता है वो आपका कंपलसरी होता है, वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे जब अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, तो वो कंसल्ट करेंगे सीजीआई से और कॉलेजियम से, ये याद रखना है आपको। एक चीज मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में आपसे एडहॉक जजेस की बात की थी कि एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कि सीजीआई अपॉइंट करता है, तो पेपर में जब ये प्रश्न बनता है कि एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड बाय, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको प्रेसिडेंट दे देता है, और आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब एडहॉक जजेस में आप पहला ऑप्शन देखते हैं प्रेसिडेंट, तो आप प्रेशर में ए टिक लगा देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस की बात की गई है, और एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, ना कि प्रेसिडेंट। ये एकदम याद रखिएगा क्लास, यहां पर कंफ्यूजन होती है, जिन जिन पॉइंट्स में मैं आपको बता रही हूं कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, उनको जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द चीफ जस्टिस कैन चेंज द, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न बने कि जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली से, उसको किसी और जगह पर हमें ट्रांसफर करना है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है उसको हमको दिल्ली से किसी और अदर प्लेस पे ट्रांसफर करना है, तो वो कौन करेगा, तो आप याद रखेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिल्ली टू अदर प्लेस। तो परीक्षा में कभी ये प्रश्न पूछे तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है उसको अगर हमें दिल्ली से कहीं और चेंज करना होगा तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक प्रश्न बना नहीं है, बन सकता है यहां से भी प्रश्न बनेगा आपका, तो आप इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। अच्छा, रिमूवल करना हो, इनको हटाना हो, तो आप कैसे, कौन हटाएगा इनको, तो प्रेसिडेंट ही हटाते हैं इनको, लेकिन कब, जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस पास कर दी, ठीक है, ये याद रखिएगा, एन एड्रेस सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब दोनों हाउस पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से कि सुप्रीम कोर्ट के इस जज को हटाना है, तो फिर वो उनको प्रेसिडेंट हटा देता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, सदन से पास होना चाहिए। तो यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सब मैंने आपको बता दिया, सब याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कराती हूँ। 127 एडहॉक जजेस कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हमें दिल्ली से कहीं और शिफ्ट करना हो तो सीजीआई करेगा विद द अप्रूवल फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने की बात, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, नौवां प्रश्न। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1999 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, आराम से सारे ऑप्शन पढ़िए ए बी सी डी और मुझे उत्तर दीजिए। तब तक मैं थोड़ा समय देती हूं आपको। बताइए 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1999 की बात की गई है, ये किस चीज से रिलेटेड है। अगर वीडियो को पॉज करना चाहें तो आप पॉज भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसमें लिखा गया है इट बैन ऑन फिक्सेशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट वॉज एक्सटेंडेड बाई 25 ईयर। प्रोविजन हैव बीन मेड इन रिलेशन टू द सर्विस टैक्स बाय द एक्ट रिजर्वेशन सिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंडेड टू अनदर 10 ईयर्स। तो यहां पर ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या है, 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ला भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए बढ़ाया गया था इसके थ्रू। लेकिन मैं आपको बता दूं एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन आपका बढ़ाया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो अब हटा दिया गया है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियंस के लिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर तो डी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जिसके थ्रू जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए उसको तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए उसको रिमूव कर दिया गया है। अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम लोग क्लास को करंट से अपडेट भी कर देते हैं, जितने भी करंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इंक्लूड कर देते हैं जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं। अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। डायरेक्ट प्रश्न है, बहुत समय नहीं लेना है। बताइए मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फतेहगढ़ में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर सैदपुर में। तो यहां पर ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो है लखनऊ, डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास 10th का हम एक बार उत्तर देख लेते हैं। यहां पर देखिए बी आपका सही उत्तर है। अब जब भी हम दूध की बात करते हैं तो आप सभी को पता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, तो वो भी किस चीज से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। और हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, हम किसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कहते हैं, तो वर्गीसी कुरियन का नाम आप याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। केन नदी यमुना नदी से कहां मिलती है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, केन नदी यमुना नदी से कहां मिलती है, रामपुर में, बदायूं में, बलरामपुर में या फिर बांदा में। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो केन नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है बांदा में। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। तो 11th का डी सही उत्तर है। एक बार हम मैप में भी इसको देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। अब तो यूपी का मैप आप लोगों को याद हो गया होगा। वैसे देखिए बांदा अगर हम देखेंगे तो ये रहा। ठीक है, यहां पर दो जिलों की मैं बात करूंगी, बांदा और हमीरपुर की। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं यमुना नदी की तो यमुना नदी आपको यहां से दिख रही है, देखिए आगरा में, इटावा में, ठीक है, यहाँ पर कानपुर देहात में, कानपुर नगर में इधर दिख रही है। तो हमीरपुर में अगर आप देखेंगे तो बेतवा नदी में यमुना नदी
बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी में जाकर मिल रही है, कहां पर? हमीरपुर में, ठीक है। और केन नदी जो है वो बांदा में जाकर यमुना नदी से मिल रही है, ये याद रखिएगा। तो केन नदी यमुना नदी से मिल रही है कहां पर? बांदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर आपसे एग्जैक्ट विलेज पूछेगा तो जो आप चिल्ला विलेज बताएंगे, और जो यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इधर होती हूँ, ठीक है, इधर होती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। ये यमुना नदी आपको दिख रही है क्लास, यहाँ पर बेतवा नदी आपको दिखेगी, यहाँ पर अगर आप ललितपुर झांसी देख रहे हैं तो इधर बेतवा नदी दिखेगी। बेतवा नदी यमुना नदी से कहां पर जाकर मिल रही है? हमीरपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। और यमुना नदी में आपकी केन नदी कहां पर मिल रही है? बांदा में। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न बन सकता है। और आपको पता होना चाहिए यमुना की ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो सीएसडीके, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो आप मुझे बताइएगा सीएसबीके का फुल फॉर्म क्या है। अब ये आपका होमवर्क है, सीएसबीके का फुल फॉर्म बताइए, आपको याद हो जाएगा कि यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 12वां प्रश्न, दोनों याद रखना है क्लास, केन कहां पर मिल रही है और बेतवा कहां पर मिल रही है। 12वां प्रश्न, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो हमें इन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले बलरामपुर दिया है, बलरामपुर आपको यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, ठीक है। फिर श्रावस्ती, रामपुर, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती, बढ़ते क्रम में हमें इसे अरेंज करना है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती में, तो सबसे पहले आपका श्रावस्ती हो जाएगा, फिर इसके बाद बलरामपुर होगा, फिर बहराइच, फिर रामपुर। तो ये सी आपका सही उत्तर है। एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आंसर दीजिएगा। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे श्रावस्ती में, ठीक है, 34 है, बलरामपुर में 38 है बढ़ते क्रम में, बहराइच में 39 है, बदायूं में 40 है और रामपुर में 44.something है। तो ये आपका महिला साक्षरता दर है बढ़ते क्रम में। महिला साक्षरता दर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फीमेल लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ठीक है, लिटरेसी, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप मेंस में अपने आंसर्स को लिखेंगे, अगर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रश्न आया तो वहां पर आप फीमेल लिटरेसी की बात कर सकते हैं। आप अपने आंसर को पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं, साथ ही साथ यूपी के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं, क्योंकि हम यूपी के एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो जब आप अपने आंसर्स को यूपी के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको उत्तर प्रदेश की नॉलेज है, ठीक है, और एग्जाम की डिमांड भी ये है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न, नाइक्रोम के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो ए बी सी डी में से पढ़िए। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की गई है। तो आपको क्या लगता है नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, लो होगा? फिर दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा? तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो अगर हम नाइक्रोम की बात करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना क्लास, वो हाई होता है। इसी वजह से नाइक्रोम इतनी जल्दी गलता नहीं है, गर्मी देता है लेकिन गलता नहीं है। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये तो तार आपका जल जाएगा एकदम। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो भी इसका हाई होता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं गलनांक जो है वो इसका ज्यादा होता है। कहां दिया गया है हाई मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा, ये देखिए डी ऑप्शन, बोथ इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर हाई। तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जब हम नाइक्रोम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर्स में जो नाइक्रोम लगा रहता है, अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी तो जैसे ही गर्म करेगा तैसे ही वो गल जाएगा तार। तो गलता तो है नहीं, हम लोग काफी देर तक हाथ सेकते हैं ना, वो गलता नहीं है। क्यों नहीं गलता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, इसी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गलत है? तो आपको बताना है कौन सा आपका गलत है। तो यहां पर दिया गया है, आसान प्रश्न है, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। रसायन विज्ञान के जनक ले व्यूजियर है, ठीक है। फिर प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक, एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन है, ये आप सभी को पता होगा, सबसे आसान है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादक ब्रक में होता है, किडनी में होता है लिखा है। और हाइड्रोफोबिया रोग आपका विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण।
तो चलिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही है। एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन है, सभी को पता है, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लेवोजियर है, ये भी सभी को पता है। यहाँ पर गलत क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हेपारिन जो है, हेपारिन का जो प्रोडक्शन है वो आपका किडनी में नहीं लिवर में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 14th का सी आपका जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। देख लीजिए क्लास एक बार, आपका जो है सी वो आपका सही उत्तर था। अगला देखते हैं, बहुत लोगों ने तो आंसर भी देख लिया होगा अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं भी देख पाए होंगे तो उनके लिए, लेकिन देख लिया कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। कभी कभी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड करने पे दो स्लाइड नेक्स्ट हो जाती है, तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, वही ऐसा आंसर पता चल गया। हम लोग जो स्कूल टाइम में थे ना, तो ऐसा होता था कभी कभी, मतलब ऐसे ही कुछ आंसर्स पता चल जाते थे तो एग्जाम में बहुत खुशी मिलती थी, ठीक है। अभी भी कहीं से आंसर अगर पता चल जाते हैं और सही आंसर पता चलते हैं तब तो बहुत ही खुशी मिलती, लगता है कि भगवान की कृपा है हम पे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। चलिए, सूची एक को सूची दो के साथ हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पटाखों में हरा रंग, ठीक है, कार्बन का न्यूनतम मात्रा वाला लोहा, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक और माइक्रोमीटर के आविष्कारक, ठीक है। तो ग्रीन कलर इन फायर क्रैकर्स जो होता है वो किसके वजह से होता है, बैरियम के वजह से होता है। तो ए का थर्ड दो जगह दिया गया है, बहुत अच्छा। ए का थर्ड है तो बी का सेकेंड भी है, ये भी पता चल गया। तो यहाँ पर वैसे भी रॉट आयरन जो होता है, यहाँ पर देखिए आयरन विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, यहाँ पे इसको यहाँ पर कर लो, लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन उसको हम रॉट आयरन कहते हैं। तो बी का सेकेंड हो गया, ये हो गया। अब देखिए इन्वेंटर ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो ये हैरी किसन द्वारा रेफ्रिजरेटर, हैरिसन जाओ, तो हैरिसन एक कंपनी भी है, तो यही नाम है हैरिसन, हरी का सन, ठीक है, याद रखिएगा हैरिसन। तो सी का फर्स्ट हो गया हैरिसन, याद रहेगा ना, हरी का सन, रेफ्रिजरेटर से पानी लेके आओ, तो हैरिसन। फिर उसके बाद इन्वेंटर ऑफ माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो विलियम पॉजन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग देख भी लेते हैं, सी का फर्स्ट हो गया, वो हो गया ना सी का फर्स्ट, ठीक है, और डी का फोर्थ, तो बी बी आपका सही उत्तर है, बी सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखेंगे, मैच द कॉलम था तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, बी आपका सही उत्तर है। 16th प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गलत है, डांस से रिलेटेड प्रश्न बनता है परीक्षा में। तो न्यूक्रेक घाना में है, ठीक है, आसमान मिश्र में है, हुबर यूएसए में है, फिर काहोरा बासा जो है मोजाम्बिक दिया गया है। तो यहां पर हमको इनकरेक्ट बताना है, डैम काहोरा बासा मोजाम्बिक में है, सही है, हुबर यूएसए में है, सही है, आसमान मिश्र में है, सही है, यूक्रेन घाना में है, गलत है, ये कहां पर है, तजाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहां पर इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ए आपका इनकरेक्ट हो गया, यूक्रेन कहां पर है, तजाकिस्तान में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17th प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन गलत है, ठीक है, प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को लाल कॉलर वर्कर्स कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, द पीपल एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। दूसरा है द्वितीयक गतिविधियों में जो लोग लगे रहते हैं उनको हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में, सेकेंडरी सर्विसेज में। सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को पिंक कॉलर वर्कर्स कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है अभी यूपी सरकार ने पिंक बस चलाई है, पिंक बूथ है, तो जब भी हम पिंक की बात करते हैं तो हम विमेन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पिंक कॉलर जॉब्स होती है वो विमेन्स से रिलेटेड जॉब होती है। तो आपका कौन सा इनकरेक्ट हो गया, सी आपका इनकरेक्ट हो गया, आसान सा, कलर से पिंक कलर की बात करते हैं तो मेनली विमेन्स की बात करते हैं, जैसे पिंक बूथ, पिंक बस, ठीक है, जैसे पिंक कॉलर जॉब जो होती है वो विमेन्स वाली जॉब होती है, सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18th प्रश्न, एनबीएफसी से है। तो देखिए, निम्नलिखित में एनबीएफसी के संबंध में क्या सही है, ये मांग जमा स्वीकार कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी जो है वो आपके डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बताइए, चेक इश्यू करती है क्या, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहां पर याद रखिएगा, एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, डीडी एक्सेप्ट नहीं करती है, ना ही ये किसी तरीके का
चेक इश्यू करती है, ठीक है, और ना ही एनबीएफसी आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहां पर जितनी भी तीनों चीजें आपकी दी गई है ये बिल्कुल गलत है आपकी, ठीक है। यहां पर दिया गया जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है नहीं, ना ही ये किसी भी तरीके का आपको चेक जारी करती है, ना ही डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है, तो इनमें से कोई भी नहीं आपका सही है, ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहां पर 19th प्रश्न। देखिए क्लास, किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैम इस प्रश्न को मुझे समझा दीजिए, मुझे नहीं आता, या फिर किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आपको नहीं आ रहा है, बार बार आपके क्वेश्चंस वहां से गलत हो जा रहे हैं, तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। चलिए अब यहां पर हम इसको देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है। तो गांधी योजना, बॉम्बे प्लान, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम स्टार्ट्स, महात्मा गांधी, मनरेगा की बात की गई है। तो चलो सबसे इजी तो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया है, 1975 में नहीं, 2005 का समय है ये, ठीक है। फिर 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में हुई है। बॉम्बे प्लान कब आया है, 1934 में नहीं, 1944 में। गांधी योजना तो सुना ही नहीं है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1974 में हुई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न परीक्षा में बना है, बन भी सकता है, याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं यहां पर, कुछ आपको बताना हो तो देखिए, बॉम्बे प्लान मैंने आपको बता दिया 1944 में आया है, मनरेगा की बात करते हैं तो 2005 में आया है। अच्छा, अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि मनरेगा आपका किस डीपीएसपी में बताया जाता है, किस डीपीएसपी से रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात मैं करी, स्टेट पॉलिसीज की बात मैं करी हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, द स्टेट टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क हमारे कहां, किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 41 में बोला गया है, और आर्टिकल 41 को ही हम मनरेगा के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस पार्ट में, पार्ट 4 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में भी आप इस चीज को लिख सकते हैं, डीपीएसपी आर्टिकल 41 प्रेजेंट इन पार्ट 4, ठीक है, जहां से हम मनरेगा की बात कर सकते हैं, राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई है, राइट टू वर्क की बात की गई है। चलिए 20वां प्रश्न, चित्रागुंडी पक्षी विहार कहां पर है। तो ये जो गुंडी वाले शब्द होते हैं ना, ये मेरे लिए तमिलनाडु से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको आंसर ही डायरेक्ट बता दिया, अब ऑप्शन क्या पढ़ू। तो यहां पर याद रखिएगा, चित्रागुंडी पक्षी विहार जो है वो तमिलनाडु में है, तो 20वें का ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, अगला देखिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो जल्दी से बता दीजिए। रुमिनदई की बात अगर हम करेंगे तो ये भगवानपुर में है, ठीक है, लौरिया राज चंपारण में है, लगमान शिलालेख कौशंबी में है, टोपरा शिलालेख दिल्ली में है, तो सबसे आसान तो टोपरा शिलालेख है, दिल्ली में है। रुमिनदई जो है वो भगवानपुर में है। अच्छा, रुमिनदई अभिलेख जो है वो सबसे छोटा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया था बताइए, शाक्य मुनि बोला गया था ना, और यहाँ पर जो बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है, इसके भी एविडेंस मिलते हैं ना, इसी वजह से लुम्बिनी से कुछ स्पेसिफिक टैक्स नहीं लिए जाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लमगान शिला लेख की बात करेंगे तो ये कौशंबी में नहीं, ये अफगानिस्तान में है, तो आपका कौन सा इनकरेक्ट है, सी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, तो 21वें का सी जो है वो इनकरेक्ट है, मैंने आपको बता दिया अफगानिस्तान में, ठीक है ये। अगला 22वां, निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो क्लास, इसको आपको व्यवस्थित करना है, सबसे पहले मोहम्मद शाह दिया है, आलम शाह दिया है, मुबारक शाह दिया है, और खिज्र खान दिया है, तो बताइए सबसे पहले आपके कौन होंगे, सबसे पहले आपके खिज्र खान होंगे ना, तो डी तो सब में दिया है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई, डी सबसे पहले खिज्र खान होंगे। अब आपको ए बी सी में से देखना है, तो यहां पर देखिए मुबारक शाह इसके बाद सी हो गया, सी भी आपको दो जगह दिया गया है, अब हमारा 50-50 का खेल बचा हुआ है, ये दोनों
50-50 बचा हुआ है खेल। तो अब हमको देखना है ए पहले है कि बी पहले है। तो यहां पर आपका मोहम्मद शाह है, उसके बाद आपके आलम शाह है। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी कौन सा, डी बी आपका सही उत्तर है। एक बार हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजिक वाले क्वेश्चंस मेरे भी गलत हो जाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम सैयद वंश के शासक को देखेंगे तो खिजर खान हो गए, फिर मुबारक शाह हो गए, फिर मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह सबसे लास्ट में। तो बी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? तो फकीर विद्रोह का नेता कौन था, डायरेक्ट प्रश्न है, तीरथ सिंह, ठीक है, अल्लूरी, सीताराम या फिर मोतीलाल तेजावत या फिर चिराग अली शाह। तो फकीर, फकीर की बात की गई है, फकीर, तो यहां पर फकीर विद्रोह के जो नेता है वो है चिराग अली शाह, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है 23वें का। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न, झील से रिलेटेड प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो मलावी झील, रुडोल झील, हुनुन झील या फिर लडोगा झील। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, यहां पर फोर्थ वाला जो है वो आपका मोजाम्बिक है, इंग्लिश में बता दूं, मोजाम्बिक, ठीक है, आप बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर आपका एक ऑप्शन कट भी गया है, यहां पर एक ऑप्शन आपका कट गया है। तो चलिए मैं आपको हिंट देती हूं, ए बी सी में से ही कोई आपका सही है, ए बी सी में से, डी को हटा दो, डी है ही नहीं। अब बताओ ए बी सी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो मलावी झील की बात करेंगे तो ये मोजाम्बिक में है, ठीक है, याद रखिएगा, एम से मलावी, एम से मोजाम्बिक। तो ये ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद रुडोल झील की बात करेंगे तो ये आपका केनिया में है, तो बी का थर्ड, और हुनुस झील की बात करेंगे तो ये चाइना में है, और आपके लडोगा झील की बात करेंगे तो ये रशिया में है। तो उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। यहां पर एक बार आप लोग देख भी लीजिए क्लास, क्वेश्चन में ये कट गया था तो आप देख लीजिए, मलावी झील मोजाम्बिक में है, रुडोल्फ झील कहाँ है, केनिया में। रुडोल्फ झील कहां पर है बताइए, रुडोल्फ केनिया में, एम से मलावी, एम से मोजाम्बिक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हुनुस झील चाइना में, हुनुस झील, ठीक है। लडोगा झील की बात करेंगे तो ये आपका रशिया में, रूस में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तुर्कमेनिस्तान, बिस्केक दिया है, मोजाम्बिक, रबात दिया है, मोरक्को, मुप्तो दिया है, गुआम, गुआम का अगाना दिया है। तो ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करिए, आराम से दीजिए उत्तर। यहां पर, यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो डी है, गुआम अगाना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, यहां पर गुआम का मैंने आपको अगाना बता दिया, मोरक्को की बात करेंगे तो रबात हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो अस्खाबाद हो जाएगा, ठीक है, और मोजाम्बिक की बात करेंगे तो मपूतो, मपूतो जो है इसकी राजधानी है, ठीक है, और मलावी लेक कहां पर है, मोजाम्बिक में है, याद रहेगा ना। तो मोजाम्बिक, मपूतो, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अस्खाबाद और मोरक्को, रबात और गुआम अगाना। अगला प्रश्न, 26वां प्रश्न, ये भी आपका झील से रिलेटेड है, फतेहपुर झील, खुरा ताल झील, मानस बल झील, लोनार झील। सबसे आसान तो लोनार है, लोनार कहां है, महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील है ना ये, तो डी का थर्ड, मुझे लगा महाराष्ट्र दिया ही नहीं है, तो डी का थर्ड, अरे वाह, सबसे आसान मिल गया, डी आपका सही उत्तर होगा। अरे नहीं, दो जगह, सॉरी क्लास, यहां पर दो जगह दिया गया है, इसको मैं इरेज कर दूं, दो जगह दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप, यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया, यही गलती हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, डी का तीन, दो जगह है, मुझे लगा इसी पे है, मैंने डायरेक्ट डी टिक लगा दिया, लेकिन मैं और ऑप्शन अभी चेक करती, ऐसी बात नहीं है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाती, अभी और ऑप्शन को भी मैं चेक करती। तो देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा,
पहला देखते हैं फतेह सागर झील की अगर हम बात करेंगे तो ये तो राजस्थान में है फतेह सागर, ठीक है, ये भी मुझे पता है। तो अब ये सी आपका सही उत्तर है, मैंने डी मार्क किया था, सी सही उत्तर है। खुराब ताल की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ताल है, जैसे नैनीताल जितने भी ताल होते हैं ना ज्यादातर उत्तराखंड में ही होते हैं, ये थोड़ा ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे मैंने गुंडी बताया जितना नाम के आगे गुंडी, तो वो ज्यादातर तमिलनाडु या नीचे का ही मतलब साउथ के ही आपके होते हैं, तमिलनाडु में ज्यादा मिलेंगे आपको। इसी तरीके से ताल की बात करते हैं तो ये रूप ताल, ये ताल, रेणु ताल, तो सब आपका रेणुका ताल, ये सब उत्तराखंड में। तो बी का सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर मानसब मानस बल, तो ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, सी सही उत्तर है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में चेचू जनजाति कहाँ होती है। सबसे आसान प्रश्न, सिक्किम, असम, उड़ीसा, मणिपुर, बताइए। चेचू जनजाति, चेचू जनजाति जो है वो उड़ीसा में आपको मिलती है। सी सही उत्तर है। ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न हम लोग रोज एक दो कर लेते हैं, तो उन सारे ट्राइब्स को एक जगह नोट कर लीजिएगा। हमेशा हम लोग ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न करते हैं ना, तो एक सेपरेट पेज में ट्राइब्स नोट करते चलिए, परीक्षा में पूछ लेता है। अगला प्रश्न 28वां, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, दो चीज होती है, हार्ट से बॉडी तक, मतलब हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो बॉडी तक ले जाना और बॉडी से ब्लड हार्ट में ले जाना। तो एक आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एक आपका मिनोऑक्सीजन के ब्लड होता है। यहां पर बोला गया है ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। ये आपका कौन लेके जाता है बताइए, ये वेन। तो बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा बी सही उत्तर है, ठीक है। और अगर आपसे लार्जेस्ट वेन पूछेगा तो वेना कावा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा लार्जेस्ट आर्टरी तो आप क्या बताएंगे, यहां पर ऑर्टा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, वेन और आर्टरीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 29th क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में आपका कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो पहला आपका माल्टेज दिया है, लाइपेज दिया है, टाइलिन दिया है और इरिप्सिन दिया है। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, जो टाइलिन है, ये जो टाइलिन की अगर हम बात करेंगे ये आपके सलाइवा में पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। ये इरिप्सिन की हम बात करेंगे तो ये इंटेस्टाइन में आपके मिलता है। यहां पर लाइपेज और माल्टेज में से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ठीक है। लाइपेज याद रखिएगा पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, तो बी आपका सही उत्तर है। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर अग्नाशय रस पेनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रिप्सिन, ठीक है, फिर उसके बाद एमाइलेज, लाइपेज, ये सब मिलता है। और इरिप्सिन की जब हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका इंटेस्टाइनल जूस में, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। और टाइलिन मैंने आपको बता दिया, जो कि ऐसे लिखा था प्री साइलेंट था, यहाँ पर ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड नहीं है, मोनोसेक्राइड नहीं है पूछा गया है। तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर गैलेक्टोज, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए मोनोसेक्राइड की बात की गई है तो याद रखिएगा एम से मोनोसेक्राइड, एम से माल्टोज, लेकिन माल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं है, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, एम फॉर माल्टोज, बट माल्टोज इज नॉट मोनोसेक्राइड, इट इज डाइसेक्राइड। तो सी आपका सही उत्तर होगा, देख लेते हैं हम लोग, सी सही उत्तर है। माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड होता है जिसमें कि दो ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, मोनोसेक्राइड मतलब एक ग्लूकोज का यूनिट, डाइसेक्राइड मतलब दो ग्लूकोज का यूनिट, ट्राइसेक्राइड मतलब तीन ग्लूकोज का यूनिट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला 31st प्रश्न, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दशा के लंबवत होती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात की गई है, परपेंडिकुलर, व्हेन द वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
तो याद करिए, याद रखिएगा, जब भी जो वेव का मोशन है वो आपका पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन के डायरेक्शन के पैरेलल होता है तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और जब वेव मोशन आपका परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो यहाँ पर वी सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पैरेलल की बात करते, ठीक है, तो वो आपका क्या होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के कारण है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है। तो यहां पर आपको बताना है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन, पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्फ्लेशन मतलब होता क्या है, मुद्रास्फीति मतलब होता क्या है, मैंने कई बार आपको समझाया है कि अगर मैं आपके ग्रैंडफादर के समय में चलूं, ग्रैंडफादर जब आपके थे, और आपके समय में चलूं, मी मतलब मेरे समय में आप आ जाइए, तो आपने अक्सर सुना होगा आपके दादाजी क्या कहते थे कि एक रुपए में हम कॉलेज की फीस भी दे देते थे, ठीक है, हम कॉलेज की फीस दे देते थे और अपने लिए कपड़ा भी खरीद लेते थे, खाना भी खा लेते थे और घूम भी आते थे, पिक्चर भी देख लेते थे, सब एक रुपए में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आज आप एक रुपए में एक टॉफी भी नहीं खरीद पाते हैं, एक टॉफी खरीदने जाएंगे 2 रुपए देना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या देखा, जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो टाइम के साथ क्या हुई, टाइम के साथ 1 रुपए की जो वैल्यू थी वो घट गई, ठीक है। आपके बाबा 1 रुपए में खाना खा लेते थे, घूम लेते थे, शॉपिंग भी कर लेते थे, सब काम कर लेते थे खाली मात्र 1 रुपए में। लेकिन आज आप 1 रुपए में एक टॉफी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो परचेजिंग पावर थी, जो खरीदने की क्षमता थी, जो वैल्यू थी 1 रुपए की, वो समय के साथ घट गई। ये किस वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, मुद्रास्फीति की वजह से हुआ। अब मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, सब इसके टाइप है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी इकोनॉमिक्स की क्लास में, वो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, मुद्रास्फीति को जब भी कंट्रोल करना रहता है तो हम लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट कर देते हैं। देखिए क्या, अगर आप लोगों के जेब में पैसा डाल देंगे, खूब पैसा डाल दो, लोगों के पास एकदम सबकी जेब भरी हुई है, तो सबकी जेब अगर भरी हुई है तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी ना, जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग डिमांड करेंगे, ठीक है, और डिमांड करने से भी आपके इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तो यहां पर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हमने मार्केट में आपको एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रही हूं, आप समझिएगा डिमांड बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। मैं 2 चीज की बात कर रही हूं, मार्केट में अभी 10 पेन है, बहुत इजी एग्जाम्पल दे रही हूं, मार्केट में 10 पेन है और 10 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट के पास पैसे हैं तो वो जाके 10 पेन खरीद ले आएंगे आराम से। लेकिन अभी मैं आपसे कह दूं कि मार्केट में 10 पेन है लेकिन खरीदने वाले 100 स्टूडेंट हैं, मैंने क्या कहा, मैंने डिमांड अचानक से बढ़ा दिया, ठीक है। मार्केट में अभी भी जो है वो 10 ही पेन है लेकिन इस 10 पेन को खरीदने के लिए 100 स्टूडेंट सामने आ गए, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका कॉस्ट कुछ भी रख सकता है, वो चाहेगा जो 1 रुपए की पेन वो बेच रहा था वो अब सोचे कि मैं इस पेन को 1 रुपए में क्यों बेचूं, 100 लोग खरीदने वाले, इसकी बोली में बढ़ा देता हूं, अब मैं अपनी एक पेन 10 रुपए में बेचूंगा। तो क्या हुआ, जो 1 रुपए की पेन थी वो 10 रुपए में बिक रही है, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, इन 10 पेन को खरीदने के लिए 100 बच्चे आ गए, तो उसने क्या कहा किया, वैल्यू को बढ़ा दिया, तो इससे भी इन्फ्लेशन हुआ, समझ में आया। तो डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन हुआ, लोगों के पास पैसे आए तो इन्फ्लेशन हुआ। देखो पैसे आए, जब लोगों के जेब में पैसे होंगे, ठीक है, लिक्विडिटी होगी, पैसे होंगे तो लोग डिमांड करेंगे, लोग डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका। अब क्या करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है तो लोगों के जेब में से पैसे को सोख लो, वापस ले लो, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, लोगों के जेब से पैसे को हमें खींचना है, जब पैसे खींचोगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन आपका घटेगा। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बैंकिंग के टर्म्स में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। जब बैंक चाहेगा कि लोगों के पास
पैसे हो, जब सेंट्रल बैंक चाहेगा कि लोगों के पास पैसे हो तो वो क्या करेगा, वो कहेगा बैंकों से कि इंटरेस्ट जो दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको कम कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पैसे बैंक से ले जाएं और मार्केट में डिमांड बढ़े। लेकिन अगर यहीं पर सेंट्रल बैंक चाहेगा कि मार्केट में पैसे कम हो, मतलब लिक्विडिटी कम हो, तो वो क्या करेगा, वो बैंकों से कहेगा कि अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो कि लोग लोन ना ले जल्दी। तो ये चीज हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी तीनों चीजें दी गई है ये सारे आपके इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। डी आपका सही उत्तर होगा। डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? डिवैल्यूएशन मतलब जब कंट्री अपने करेंसी की वैल्यू खुद कम कर दे। ज्यादातर जब हम चाइना की बात करते हैं ना, तो चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने वैल्यू, जो करेंसी की जो वैल्यू है वो कम कर देती है। जैसे अगर मैं आज कहूं आपसे कि $1 जो है वो आपका, देखिए बस मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता $1 कितने रुपए का, मैं बस आपको पढ़ाने के लिए $1 जो है वो 70 रुपए का है। मैं कहूंगी मुझे, मैंने करेंसी को डिवैल्यूएशन किया उसका, तो आज $1 ₹100 का हो जाएगा, तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, लेकिन हाँ इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ज्यादातर चाइना ये काम करती है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। हम लोग इसको और भी अच्छे से क्लास में समझेंगे जब आपकी क्लासेस होंगी। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33rd प्रश्न को, 33वें प्रश्न को। CRR की बात यहाँ पर की गई है, तो बताइए कैश रिजर्व रेशियो की बात यहाँ पर की गई है, इसका क्या अर्थ होता है? CRR कैश रिजर्व रेशियो, ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इट इज ए % ऑफ बैंक डिपॉजिट। यहाँ पर देखिए क्लास, इट इज अ % ऑफ बैंक डिपॉजिट मेंटेन इन अ कैश फॉर्म। ठीक है, जब आप देखेंगे तो दो टर्म होते हैं, CRR और SLR। ठीक है, याद रखिएगा CRR और SLR। CRR जो है वो कैश रिजर्व रेशियो है। तो मेनली जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक को कहता है, जो कि उनका NDTL है, नेट डिपॉजिट, NDTL नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज आपको कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखना है। मतलब उसको क्या करना है, लॉकर में ले जाके रख देना है और चाबी बंद करके कभी उसको खर्च नहीं करना। कैश रिजर्व रेशियो, कैश को क्या करना है, रिजर्व रखना है। ठीक है, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, ये यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट को रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन SLR में ये जो रिजर्व होता है वो आपका बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा दोनों में रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन SLR में वो कैश, बॉन्ड, गोल्ड किसी फॉर्म में भी कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज आप रिजर्व करके रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे। और CRR जो है स्पेसिफिक अमाउंट जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा और उसको कभी खर्च नहीं करेगा, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये हम लोग ने डिस्कस किया। कोई भी दिक्कत होगी, अगर नहीं समझ में आता है ये सब टॉपिक, तो बताइएगा, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी एक स्पेशल क्लास में, अगर इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत होती है, जैसे SLR क्या है, CRR क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप मुझे बताइएगा वो चीज। चलिए, यहाँ पर ए आपका सही उत्तर था। अगला देखते हैं, 34th प्रश्न। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा गया है, तो बताइए। यहाँ पर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, चंद्र भाल दिया गया है, चौधरी नारायण सिंह या फिर सतीश महान। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, चौधरी नारायण सिंह, सी सही उत्तर है। अब आज की क्लास का आप लोगों के लिए खुशखबरी, आखिरी प्रश्न ये है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ए 27, ए 29, ए 26 या फिर 839। तो यहां पर याद रखिएगा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उत्तर प्रदेश की वो है 829। सॉरी, यहां पर हट गया ये 829। ठीक है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। हम लोग देख लेते हैं इसको, 829 आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।
ठीक है, आप लोगों के कहने पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर 35 कर दिए। आशा करती हूँ आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी, और आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग की डिमांड होगी तो इकोनॉमिक्स की एक टर्मोलॉजीज की क्लास हम लोग ले लेंगे, जिसमें जो बेसिक टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। और आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और कभी भी घबराइएगा नहीं परिस्थितियों से। जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो मेरा एक ही आपको सजेशन रहता है, शीशे के सामने जाइए, खड़े होइए, अपने आप को देखिए, अपनी आंखों को खुद देखिए और ध्यान से सोचिए कि हम आज यहाँ पर खड़े हैं तो कितने लोगों की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, सब चीज बहुत अच्छा होगा, लेकिन परिश्रम करना आपको पड़ेगा, परिश्रम आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद क्लास, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास, इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।